दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं कि हम दुबई से अपना घर छोड़कर पैदल चल रहे हैं, आपका अपना बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा दो बरिस, पांच बरिस, दस बरिस से आपको छोड़कर चला गया मजदूरी करने, जो मजदूरी करने गया है, साल में एक बार छठ में कोई घरे आता है तो दस दिन के लिए उसका मुंह देखते हो आप, वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी नहीं देख सकते, वो आदमी वहां हार गला रहा है 10 घंटा 12 घंटा खेत में, फैक्ट्री में, रोड पर मजदूरी कर रहा है, पेट काटता है कि 6000 8000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहां लोगों से पूछिए, ए भाई वोट काहे दिए थे, कहता है मोदी जी मंदिर बनवाए इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौआ में 500-500 रुपया बटा इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खा कर दे दिए, तो तुम नहीं भोगोगे भैया तो कौन भोगेगा, जब आपको अपने चिंता ही नहीं है, अपने बच्चे की चिंता नहीं, अपने पति का चिंता नहीं, अपने गरीबी से परेशान हो उसका चिंता नहीं, तो आपका मदद कौन करेगा। लोग कह रहा है कि बिहार में विकल्प नहीं है, ए भैया आप आए हैं आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हमसे पहले लोग खड़ा होके कहा है प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कीजिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा, आप तो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, इसी कोसी में आपके बच्चे 500 बच्चे बह गए, उनकी मृत्यु हो गई, उसी नीतीश कुमार को, उसी जदयू को आप वोट देते हैं और आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे जिसको अपने बच्चों का दर्द नहीं है वो तो प्रशांत किशोर के पैदल चलने से मानेगा, हम 2 बरिस चले कि 20 बरिस चल दे, आप सुधरने वाले नहीं हो, 5 बरिस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली नहीं है, गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाकर फिर वोट देगा, आपका विधायक कई बार से जीत रहा, जब परेशान हो जाते हैं पूछते हैं लोग, कहता है भैया विधायक 4 बार से, अरे भाई सांसद कई बार से जीत रहा है, तो सांसद 3 बार से, उससे पहले उनके बाबूजी 4 बार,